के अजीम बाबरकत नाम में मैं वर्शिपर शाहीन मेहदी आपको सलाम पेश करता हूँ। आज ग्रेस म्यूजिक कॉलेज में मैं खड़ा नेशनल न्यूज टीवी की जानिब से फन और फनकार प्रोग्राम लेके आया हूँ और इसका मैं होस्ट हूँ। और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत कैमरा मैन तारक प्यारा साहब हैं जो इस सारे प्रोग्राम की कवरेज देंगे। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या साज सिखाए जाते हैं, कौन कौन से उस्ताद लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ये एकेडमी ग्रेस एकेडमी जो म्यूजिक कॉलेज, ये उस्ताद परवेज पारस साहब की जेर सरपरस्ती चलती है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है। मेरे साथ रहिएगा, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, तो मैं यहाँ के स्टूडेंट से, चंद स्टूडेंट से पूछूंगा कि कैसे उनको शौक पैदा हुआ और वो कौन कौन सा साज सीख रहे हैं। तो मैं उनके ग्रेस म्यूजिक एकेडमी के स्टूडेंट से बात करूंगा कि क्या क्या सीख रहे हैं और कौन आपके साथ यहाँ पे सिखाते हैं। उसी में आप सबको सलाम। मैं ग्रेस म्यूजिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं सर नसीम शाह साहब से हारमोनियम की तालीम ले रहा हूँ बाकायदा तौर पर। ग्रेस म्यूजिक कॉलेज 2018 से स्टार्ट हुआ है और मैं डे वन से ही इनका स्टूडेंट हूँ। और मैंने इन चार सालों में, खुदा का शुक्र है कि जो पिछले मैंने 15 साल में नहीं सीखा वो इन चार सालों में सीख चुका हूँ। और मुल्क के इंटरनेशनल लेवल के जो बेहतरीन उस्ताद हैं हमारा, जो हमें यहाँ पे सिखाते हैं, जिनमें सर फरिस पारिस साहब हैं और नसीम शाह साहब हैं, सनी जिमी भाई हैं जो तबला सिखाते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे लिए वैसे फख्र है कि हमारे खुदा ने हमारी कौम में ऐसे बेहतरीन उस्ताद रखे हैं जिनके पास बेहतरीन नॉलेज है। आप भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ और बरकत पा रहा हूँ इसके वजह से, यहाँ से ब्लेसिंग की वजह से मैं अपने चर्च में एज ए क्वायर लीडर खिदमत कर रहा हूँ यहाँ से सीख कर। और इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी यहाँ से तालीम दिलवा रहा हूँ गिटार की, वायलिन की। और खुदा का शुक्र है और मैं दुआगो हूँ इस कॉलेज के लिए, खुदा इसको और ज़्यादा बढ़ाए ताकि पूरी कौम हमारी यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सके। थैंक यू सो मच। जी बेटे, आप क्या सीख रहे हैं? पहले तो मसीह में आप सबका सलाम। मेरा नाम मिशेल कार्टर है और मैं यहाँ की हारमोनियम क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं सर नसीम शायद से सीखती हूँ, जो कि एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं और उनसे सीखने में काफ़ी, वो बहुत नॉलेजफुल हैं और फुल ऑफ नॉलेज हैं और म्यूज़िक के नॉलेज के साथ साथ दूसरे नॉलेज भी हमारे साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, ये खूबसूरत बच्चे भी गिटार सीख रहे हैं और मेरा दिल इनके लिए भी शुक्रगुजारी करता है कि कितनी छोटी एज में इनके दिल में आया कि हम इस साज को सीखें, खुदा की हम्द और सना में आगे बढ़े। तो मैं पूछता हूँ ये छोटी बेटी से कि कितनी देर होगी आपको गिटार सीखते हुए और आपके गिटार के कौन से उस्ताद हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं और मेरे सर फरहान मुझे सिखाते हैं। सर फरहान जी, बहुत। आप बेटे अभी कुछ थोड़ा सा प्ले करके दिखाएंगे? जी जरूर। गुड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी बेटे, आप भी बताओ अपना नाम पूरा। जैसिका रजा है मेरा नाम और बड़ा अच्छा लगे इधर आके और नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है इधर आके और मज़ीद खुदा में हमें और बढ़ाएं और वर्शिपर बना रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद और सीखेंगे। वेरी नाइस। मेरा ईमान है बेटे, जिंदगी का कोई पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाए। मेरी बात लिख लेना, जब मैं चला जाऊंगा दुनिया से तो आप याद करोगे कि जिस लगन से उस्ताद परवेज पारस साहब, नसीब शाह साहब, जॉर्ज साहब और आपके जो स्टूडेंट हैं सैम और फरहान साहब आपको सिखा रहे हैं, सनी जिमी हैं, अनिल वकास भाई हैं, तो इनकी लगन, जब लगन सच्ची होती है, नीयत अच्छी होती है, तो खुदा ज़रूर आपको बरकत देता है और अपने मुकर्रर किया वक्त पर आपको सरफराज भी करेगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। जी नाज़रीन, तो मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा है भाई नसीम शाह के लिए। ये मेरा भाई है, दोस्त है, लेकिन यहाँ पे एज़ अ उस्ताद को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं
और सन्सियर होके जिसको भी सिखाया सन्सियर होके सिखाया। तो मैं जनाब नसीम शाह साहब से पूछूंगा कि क्या क्या बच्चों को आप सिखा रहे हैं, कितने आपके स्टूडेंट हैं? साहब की खिदमत में खुदावंद यसुमसी नासरी के बाबरकत और जलाली नाम में सलाम। और सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के जो यहाँ पर आए हैं और हमारे इदारे को ऑनर बख्शी है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ साज सिखाए जाते हैं और ये एक ऐसा मुनफरद इदारा है पूरे पाकिस्तान में हम मसीहियों का कि जहाँ पर हर चीज़ को सिखाने के लिए अलग से टीचर मौजूद है। वोकल के अलग उस्ताद हैं, हारमोनियम के अलग हैं, तबले के अलग हैं, इसी तरह गिटार के, वायलिन के, सब अलग अलग अपने अपने रूम्स में क्लासें हो रही हैं और बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वोकल और हारमोनियम सिखाता हूँ और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मेरे उस्ताद जी उस्ताद परवेज पारस साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं और हम वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी सरकर्दगी में, और पास्टर यूनस योहन्ना साहब की और डॉक्टर नईम प्रसाद साहब की ज़ेर निगरानी यह दारा चल रहा है। हम इन लोगों के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं और बेशुमार स्टूडेंट्स यहाँ से सीख कर अपने अपने चर्चेज में जाकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी हम भेजते हैं हर साल और वहाँ से वो विन करके आते हैं। इसी तरह जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मुख्तलिफ, जैसे क्रिसमस पे होते हैं या मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स के मौका पर जो कॉम्पिटिशन होते हैं हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और खुदा के फजल से विन करके आते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि अदारा जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं नए स्टूडेंट्स भी आते हैं और नए स्टूडेंट्स के साथ साथ जो पुराने लोग हैं जो कि अपने अपने चर्चेज़ में बड़ी देर से बड़े सालों से क्वायर्स लीड कर रहे हैं और जो है वो खुदावंद की खिदमत का काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि अब वो भी ज़रूरत महसूस करते हैं और यहाँ पर वो आकर सीखते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे अपने अपने चर्च के क्वायर लीडर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आज आए नहीं हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा यही पैगाम है कि जितने भी लोग खुदावंद की खिदमत करना चाह रहे हैं या मौसीकी वैसे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम हर लेवल का म्यूज़िक सिखाते हैं जैसा आप सीखना चाहें। तो सारे लोग जो भी इस फन से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे साथ रजू करें, इस अदारे को ज्वाइन करें, ज़रूर आपको यहाँ से बहुत सीखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये बच्चे को मैंने अभी सुना ज़ैन, तो बहुत ही खूबसूरत हाथ है इसका, तो मेरा तो दिल पहली दफ़ा इसको सुना लेकिन मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भर गया। इसके लिए मैं दुआ गूँ और आने वाले वक्त में बहुत खूबसूरत तबला नवाज होगा। तो बेटे मैं पूछना चाहूँगा आप कितनी देर होगी आपको सीखते हुए? तकरीबन मुझे 7 साल हो गए हैं तबला बजाते हुए और खुदा उनका शुक्र है कि उसने बड़ा हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और मैं आज चर्च में बजा रहा हूँ और काफ़ी चर्चेज में जाके बजा रहा हूँ। जी ज़ैन, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा सा हमें तबला भी सुना दें। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, तो मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा है कि ये बच्चे देखो कितने लगन है इनको साज सीखने की। तो ये बच्चों से पूछते हैं ये कीबोर्ड सीखते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि कौन आपके उस्ताद है और कितनी देर होगी आपको ये सीखते हुए? मसीह यसु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नीरिया दाऊद है और मैं कीबोर्ड सीख रही हूँ यहाँ से, मुझे 6 मंथ्स हो गए यहाँ पे सीखते हुए और मेरे सर का नाम सर जाहिद है और मैं यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है और थैंक यू सो मच ये कॉलेज बनाने के लिए म्यूज़िक, ताकि सब यहाँ से सीख सकें। थैंक यू। जी मेरे आप ही बताओ
कितनी देर हो गई आपको सीखते हुए? मुझे यहाँ पर सीखते हुए 2 months हो गए हैं, और मैं यहाँ के जो मेरे सर हैं जो कि बर्ड सिखाते हैं, उनका नाम सर जाहिद है, और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत एक अच्छा है, और यहाँ के सर जो हैं वो अप्रोप्रिएट तरीके से सिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो मैं हाज़िर हूँ दोबारा आपकी खिदमत में। आज हमारी कम्यूनिटी में ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और बहुत से हज़ारों शिगिर्द उन्होंने पैदा किए, उनके शिगिर्दों को भी खुदा ने बहुत बरकत दी, नाम दिया। तो ग्रेस म्यूज़िक अकेडमी में मैं उस्ताद परवेज पारस साहब के साथ बैठा हूँ, उनसे हम पूछेंगे कि आपने कितने शेर बनाए, आगे वो कहाँ तक खिदमत में हैं, आया वो अभी सीख रहे हैं या आगे टीचर बन गए हैं, किन किन लोगों को सिखा रहे हैं, मैं उनसे पूछूँगा। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस्ताद जी आपको। शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, और हमारे साथ पाकिस्तान के नावर तबला नवाज सनी जिमी जो किसी तारफ के मुताज नहीं है, बेशक वो मेरा भाई है लेकिन आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने इतनी मेहनत की आज दुनिया में नाम कमाया। जिमी खां का तो मैं दोस्त है, भाई है, खुदा उसको बरकत दे। तो आगे हम पूछते हैं उस्ताद परवेज पारस साहब से कि वो यहाँ पे ग्रेस म्यूजिक अकेडमी में कौन कौन से साज सिखा जाते हैं? बात यह है कि काम जो है ना वो जज्बों और गैरत से होता है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे पादी साहब हैं, पादी यूनुस जो है ना यहाँ, है ना, ये इनका जज्बा है कि इनकी ख्वाहिश है कि जो क्रिश्चियन है, ये नहीं कि सिर्फ ग्रेस म्यूजिक, ये ग्रेस चर्च के बच्चे, कोई भी क्रिश्चियन बच्चे वो इस काबिल हो जाए कि वो प्रस्तिश के काम आ सके, गा सके, बजा सके, वैसे सेकुलर दुनिया में नाम पैदा कर सके और वो इसमें से कुछ हासिल भी कर सके। तो हम दो मिनट पादी साहब से भी बात करेंगे कि क्योंकि ये उनका जज्बा है। जी जी। और अब ये देखें कि यहाँ काफ़ी रश होता है गाने की क्लास में। नसीम शाहिद साहब हैं जो कि मेरे शागिर्द हैं, 10-12 इनके पास बच्चे हैं। जॉर्ज हैं, वो भी गाने की क्लास लेते हैं जूनियर बच्चों की, और इसके साथ गिटार की 2 क्लासेस, ऊपर 2 टीचर हैं, वायलिन के टीचर हैं, और साथ साथ तबले की हमारी क्लास में बड़े नामवर उस्ताद हैं। सनी हमारे साथ बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं। मतलब जब ये नहीं होते इनसे पहले या इनके बाद, अनिल वकास आते हैं। तो दोनों मिलकर अब कभी कभार दोनों आगे पीछे होते, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, कोई टीचर में सो। तो ये पाद साहब की दुआ है और इनकी मेहनत से कि काफी ज्यादा बच्चे सीखकर आगे अपने अपने चर्चों में वायर चला रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं या बाहर भी गा बजा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सनी, इनको हम कहेंगे, ये भी 1-2 मिनट कोई बात बताने के बाद। जी मेरी तरफ से सलाम। सारी सारी बातें तो उस्ताद जी ने बता ही दी हैं, लेकिन हमारा पादरी साहब का भी खास मकसद ये है कि बच्चे यहाँ से सीख कर चर्च की हद तक न रहें, अपना रोज़गार भी कमाएं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमारे लोग आगे बढ़ें और इसको बाकायदा सीखें, क्योंकि हम लोगों में शौक़ नहीं है सीखने का। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास उस्ताद परवेज पारस साहब जैसे उस्ताद मौजूद है। तो पादरी साहब का भी शुक्रिया इस जगह के लिए, उन्होंने बड़ी एक दर्द रख के अपने लोगों के लिए इस स्कूल को स्टार्ट किया। तो आज इस प्रोग्राम में पास्टर यूनुस युला साहब भी हैं, जिनकी वीएम थी, जिनकी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे मौसीकी को सीखें और सिर्फ चर्च की हद तक न रहें बल्कि दुनिया में नाम पैदा करें। और दुनिया में देखें हमारी कम्युनिटी में कितने लोगों ने नाम पाया, मतलब मैं नाम लूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, और मैं कहता हूँ उनकी मेहनत है। सनी जी ने कितनी मेहनत की, जी खास साहब ने कितनी मेहनत की, शशीर हरिसन साहब ने कितनी मेहनत की, और मैं कहता हूँ ये उस्ताद परवेज पारस साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों को सिखाने में। लेकिन ये जैसे कि उस्ताद परवेज पारस साहब ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये गैरत का काम है। कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बड़ा मसरूफ हूँ, टाइम निकालना पड़ता है। अब अगर आप मोहब्बत करते हैं, मौसीकी से इश्क करते हैं, तो फिर ही टाइम निकाला जाता है जिसे मोहब्बत की जाती है। जैसे कि
खुदा यीशु मसीह ने वाली मोहब्बत का नजराना पेश किया, सलीबी मौत द्वारा की। वो पास साहब से मैं कहूँगा कि आप बताएं कि कैसे आपको ये ख्याल आया या क्यों क्या था आपके ख्याल में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले भी बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जैनेट है, अभी वो 12-13 साल की, तो वो उस्ताद पारस से और सर नसीम शाहिद से मौसीकी सीख रही थी। तो छोटी थी जब वो 7-8 साल की, तो वो काफ़ी उन्होंने बताया तो वो गाती अच्छा, लोग पसंद भी करते। तो एक दिन वो घर में गा रही थी, मेरे दिल में आया कि उन्हें चर्च में बाकायदा म्यूजिक क्लास शुरू की जाए। तो मैंने सर पारस से बात की, प्रवेश पारस साहब से, फिर नसीम भाई से, फिर भाई सनी से। तो खुदा उनका शुक्र हो के मैंने कहा अगर मेरी बेटी सीख सकती है तो और भी बहुत से बच्चे सीख सकते हैं। तो अब खुदावंद के फजल से सबसे बढ़कर मैं उस्ताद प्रवेश पारस साहब के बहुत शुक्रगुजार, जिनकी जेरे नगरानी या जेरे सरप्रस्ती ये ग्रेस म्यूजिक जो कॉलेज चल रहा है, तो बहुत से बच्चे यहाँ से सीख कर अपने अपने चर्चिस में वो खुदावंद की सिताइश और प्रस्तश कर रहे हैं। हमारा फोकस यहाँ पे फीस नहीं है, क्योंकि कुछ फीस हमने रखी हुई है, लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस ये कि बच्चे सीखे। जैसे हम कहते हैं जी पादरी कोई ऐसे कलाम सुना तो पूछते हैं सेमिनरी की इसने, अगर उसने सेमिनरी ना की तो कहते हैं इसको प्रॉपर सेमिनरी करनी चाहिए। तो मेरी भी ये डिजायर है तमाम इस पाकिस्तानी चर्च के लिए, बड़ी ख्वाहिश है कि अगर हम चर्च के अंदर क्वायर बनाते हैं तो कई शौक अच्छी बात शौक होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर सीखे हुए लोगों को आगे लाएं, उन्हें प्रमोट करें ताकि गाना बजाना भी प्रॉपर सीख कर किया जाए और खुदावंत की रहनुमाई में किया जाए तो इसमें बरकत होती है। तो अगर आप किसी भी चर्च से हैं, आप इवन के किसी कौम से भी हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ग्रेस चर्च बाहर कलोनी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, या बहुत से यानी कि जबरदस्त टीचर्स सिखाते आकर, सबसे पहले उस्ताद प्रवेश पारस सर, फिर सर नसीम शाहिद, फिर भाई सनी जिमी और भाई नील वकास, भाई जाहिद कीबोर्ड सिखाते हैं और 3 गिटार के टीचर हैं। वाह। और बहुत से बच्चे ऊपर हमारा बाइबल कॉलेज वहां पे क्लासेस होती हैं और बच्चे आते हैं, फिर एक टीचर वायलिन के भी हैं, वो वायलिन भी सिखाते हैं। तो अगर ये सारे साज चर्चिस में बजाए जाए प्रॉपर सीख कर तो खुदावंत की हजूरी और खुदावंत का जलाल ठहर जाएगा। हम नेशनल न्यूज के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जो आज आए और ग्रेस म्यूजिक कॉलेज को विजिट किया, और भाई शहीन मेहदी साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए। और हमारी दिल से दुआ है कि जैसे हर तरफ ये कहा जाता है कि पादरी को सेमिनरी करनी चाहिए, सब कुछ सीख कर स्टेज पे लाए तो फिर काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो जो सीखा हुआ बंदा होगा वो शायरी भी ठीक गाएगा, वो सुर में भी गाएगा, वो फील भी होगी, वो दुआ के साथ गाएगा और खुदा की बरकत उस चर्च में ठहर जाएगी। गॉड ब्लेस यू। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो मेरा भी मशवरा जिस तरह के हर स्कूल में नर्सरी क्लास से लेकर आगे बढ़ते हैं एफ ए बी एम ए, इसी तरह ये म्यूजिक में भी सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन से सीखें, अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई में रियाज करके मेहनत करके अगर करेंगे तो वर्शिप में भी असर होगा। और अगर आप सेकुलर इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आप उस स्टैंडर्ड के होंगे तो खुदा आपको अच्छी इसमें जॉब दे सकता है और अच्छे आप पैसे हासिल कर सकते हैं। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ पारस साहब का, पास्टर साहब का, और प्यारे भाई नसीम शाह का, जॉर्ज भाई का, सनी जिमी का, और प्यारे भाई जिमी खां भी यहाँ पे तशरीफ लाते होते हैं, और नील खास, बहुत से टीचर हैं जैसे ऊपर गिटार सिखा रहे थे। तो मेरी दिल से दुआ है कि खुदा इनको बहुत बरकत दे और लगन से सीखे। जब आपकी लगन सच्ची होती है तो मंजिल आपको मिली जाती है। लेकिन मुझे एक शेर याद आया अपने गीत का, मंजिलों की तरफ बढ़ता जा
घर है राहे कठिन चलता जा, आपने चलते रहना है, सीखते रहना है, और जब आप लगन से सीखते रहेंगे तो मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। अब आपका होस्ट शहीद मेहदी आपसे इजाजत चाहता है, खुदा की पाक मर्जी से नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक दूसरे को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।